इरसा तुमने हाँ कर दी? इरसा मेरी बात सुनो, मैं क्या पूछ रही हूँ तुमसे? हाँ क्यों? क्योंकि निम्रा थक गई हूं मैं महरूमियां देख देख कर, हसरतें पाल पाल कर। थोड़ा जीना चाहती हूँ यार, जो झूठ बोले थे उन्हें सच करके दिखाना चाहती हूँ। पता है निम्रा, कई बार ऐसा होता था मेरे पास किराए के 20 रुपए नहीं होते थे, चार चार किलोमीटर पैदल चलकर जाया करती थी, और रास्ते में बाइक पर मिलने वाले लड़के ऐसे ऐसे इशारे करते थे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मगर मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, पढ़ना, अपनी अम्मी के ख्वाब को सच करना। मगर अम्मी नहीं रही। गुर्बत और बीमारी की चादर ओढ़कर गहरी नींद सो गई। पता है उन्हें क्या लगता था? वो मुझे कहती थी कि जब तुम पढ़ लिख जाओगी ना, तो तुम्हारी किसी अमीर घराने में शादी होगी। ठीक ही तो लगता था यार उन्हें। देखो ना, अभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल भी नहीं हुई और कितने अमीर घर से मेरा रिश्ता आ गया। क्या हुआ? जो उनकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है तो 8 भर के खाना तो मिलेगा, क्यों रात रात जाग कर सिलाई तो नहीं करनी पड़ेगी? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाजू मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं है, मेरी सिलाई मशीन का हिस्सा है। कुछ भी हो जाए इन्हें सिलाई करनी है, कपड़े को आगे धकेलना है। बस अब नहीं होता मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त, नहीं कर सकती और ये सब कुछ, नहीं सुन सकती अपने बाप की वो बातें जो किसी दूसरे के बाप से भी अच्छी ना लगे। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं शादी कमाल हसन से ही करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ना। चाय पियो। कैसी बनी है? अच्छी।